आज हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्टिब्रेटा की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। जिसे ये जो ग्रुप है, ये ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है जिन्हें हम फॉल फिशेज भी कह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिनमें जोज जो हैं वो एब्सेंट होती है, यानी जबड़े उनके अंदर नहीं पाए जाते। इसीलिए साइक्लो, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ या ओपनिंग। इनके अंदर सर्कुलर ओपनिंग मिलती है, माउथ सर्कुलर होता है, सेक्टोरियल होता है। इस वजह से ये जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा नाम से जानी जाती है। और यहाँ अगर हम इसके जनरल करेक्टर्स की बात करें तो मैं बता दूं पहले कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर लैम्प्रे और मिग्जीन जो हैं फिशेज इंक्लूडेड हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हैं हैगफिश यानी के जो है चुड़ैल मछली, मिग्जीन जैसे अपन मिग्जीन भी बोलते हैं। ये हैं लैम्प्रे जो कि पेट्रोमाइजोन है। तो ये फिशेज इस साइक्लोस्टोमेटा के अंदर है। आप देख सकते हैं इनका माउथ जो है सर्कुलर टाइप का माउथ है, सेक्टोरल टाइप का माउथ है। तो यहाँ पर जोज इनके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, तो इनके बेसिक करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनके हैबिट एंड हैबिटेट की। तो बेसिकली ये जो एनिमल होते हैं ये एक्वेटिक, ये जो है एक्वेटिक एनिमल है। और ये जो है ये पैरासिटिक एनिमल है, एक्वेटिक हैं और सॉरी एक्वेटिक हैं और पैरासिटिक एनिमल हैं। और यहाँ पर ये जो एनिमल हैं ये माइग्रेशन शो करते हैं। बेसिकली तो ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ये सॉरी ये जो है मेराइन वाटर में मिलते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेश वाटर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर ये एग लेइंग करते हैं और एग लेइंग करने के बाद जो एडल्ट है वो मर जाता है, लेकिन जो एग हैं उनके एग की हैचिंग से जो लार्वास फॉर्म होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। देन उसके बाद मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं और वो वापस मेराइन वाटर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हैबिट की बात करें तो ये पैरासिटिक होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट नेचर के ये होते हैं। यहाँ सीलोम जो होती है इनकी, ये एंटेरोसिलोमिक एनिमल होते हैं, यानी कि सीलोम का फॉर्मेशन जो होता है, हालांकि टू सीलोम होती है, और सीलोम का फॉर्मेशन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के आउट पॉकेटिंग से होता है। सिमिट्री की बात करें, सममिति जो होती है इनके अंदर, सिमिट्री जो होती है वो बाइलेटरल सिमिट्री इनके अंदर मिलती है। बाइलेटरल सिमिट्री मीन्स एनिमल को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने वाली जो प्लेन है इनमें केवल एक ही मिलती है, इसलिए बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल ये कहलाते हैं। और जिनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है उनमें जो बॉडी के अंदर जो टर्मिनल लेयर्स होती है वो तीन टर्मिनल लेयर्स होती है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। ठीक है, बॉडी प्लेन जो है ट्यूब विद इन ट्यूब फिट टाइप का होता है, माउथ से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनाल इनकी प्रेजेंट होती है। ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड यानी कि अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन इनके अंदर मिलता है। कोरक छिद्र के भविष्य की बात करें, ब्लास्टोपोर के फ्यूचर की बात करें, तो जब जायगोट से मोरूला बनता है, मोरूला से फिर जो है ब्लास्टुला बनता है, तो ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोपोर होती है उस ब्लास्टोपोर से अगर पहले एनस का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे एनिमल ड्यूटरोस्टोमेट कहलाते हैं, और अगर पहले माउथ फॉर्म हो तो वो प्रोटोस्टोमेट कहलाते हैं। तो ड्यूटरोस्टोमेट वाले एनिमल जो होते हैं वो बेसिकली इकाइनोडर्मेटा और कोडेटास के एनिमल होते हैं, लेकिन जो प्रोटोस्टोमेट होते हैं वो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये तीनों मेंबर जो होते हैं वो प्रोटोस्टोमेट होते हैं। इंटेग्यूमेंट की बात करें तो इनकी बॉडी पर किसी भी तरह के सॉरी इंटेग्यूमेंट में इनमें क्या होता है, बेसिकली जो लेयर जो स्किन है वो मल्टी लेयर्ड होती है, जैसे कि हम लोगों की मल्टी लेयर्ड स्किन है वैसे मल्टी लेयर्ड स्किन होती है। और स्किन पर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसकी जो बाहर की जो ले जो कवरिंग है वो म्यूकस या हम यह स्लाइमी होती है। ठीक है, चिकनी होती है। एक्सटर्नल स्केलेटन में इन पर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल स्केलेटन नहीं पाया जाता, बाह्य कंकाल किसी भी तरह का नहीं होता है, ना ही कोई इसके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ना ही कोई बोनी प्लेट्स इनकी बॉडी पर पाई जाती है। ठीक है, एंडोस्केलेटन की बात करें तो एक कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इनका मिलता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर 7 to 12 पेयर गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर होते हैं, गिल स्लिट्स भी गोलाकार होते हैं जो कि रेस्पायरेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है माउथ से लेकर के एनस तक।
यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जैसे हमारा होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर मिलता है, ठीक है। हार्ट में टू चैम्बर होते हैं, वीनस होता है, वीनस हार्ट का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो ब्लड जाता है वो इम्प्योर जाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसलिए इन्हें वीनस हार्ट बोलते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये बेसिकली क्या है, अमोनोटेलिक एनिमल है, अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया सिक्रेट करते हैं। किडनी जो होती है मीजोनेफ्रिक प्रोटोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। किडनी क्या है एक्चुअली, किडनी डेवलपमेंट के बेस पर प्रोटो मीजो और मेटा नेफ्रिक होती है, सबसे एडवांस मेटा होती है और प्रिमिटिव टाइप की प्रोटो होती है, ठीक है। और प्रोटो के बाद जो है मीजोनेफ्रिक किडनी का फॉर्मेशन होता है, देन इसके बाद मेटानेफ्रिक बनती है। नर्वस सिस्टम में यहाँ 8 to 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के मिलते हैं, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ये 8 to 10 पेयर होती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मिलता है, और पेट्रोमाइजोन है, केवल पेट्रोमाइजोन के अंदर ही लार्वा होता है, जिसे हम एमोसिट लार्वा यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ इनके अलावा कुछ कॉर्डेट्स की जो बेसिक करेक्टर्स हैं, जैसे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, गिल्सिलिट्स की प्रेजेंस, वेंट्रल हार्ट की प्रेजेंस, टेल की प्रेजेंस, तो ये बेसिक करेक्टर्स जो हैं, ये बेसिक करेक्टर्स ऑलरेडी इनके अंदर मौजूद होते हैं जो कॉर्डेट्स के, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। यहाँ इनके क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन में आप देखोगे जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है वो दो ऑर्डर के अंदर डिवाइडेड है, दो ही ऑर्डर मिलते हैं इसमें, पेट्रोमाइजोन्टी फॉर्म और मिक्जिनी फॉर्म। पेट्रोमाइजोन्टी फॉर्म जिसके अंदर पेट्रोमाइजोन प्रेजेंट होते हैं, यानी पेट्रोमाइजोन इसके अंदर इंक्लूडेड है, लैम्प्रे जिसे अपन बोलते हैं, एक्सोपेरासाइट होता है ये, बाहर से न्यूट्रिशन गेन करता है, फिशेज जो लार्ज फिशेज होती है उनके बाहर अपने सेक्टोरियल जो माउथ है, इनका जो सेक्टोरियल माउथ है, इस सेक्टोरियल माउथ से अटैच हो जाता है, अटैच होकर के न्यूट्रिशन उनसे गेन करता है। एंडोपेरासाइट मिक्जिन जो है चुड़ैल मछली, इसके चुड़ैल मछली जो है इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो माउथ होता है उस पर इस तरह के टेंटिकल्स पर लगे होते हैं लंबे लंबे, जैसे चुड़ैलों में जो जैसे हम कहानियों में किस्सों में सुनते हैं कि जो होट होते हैं उनके जुर्रीदार होते हैं, तो उसी तरीके से इसके होट भी क्या है, रिंकल्ड हैं, इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो मिक्जिन इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये एंडोपेरासाइट है गिल्स वगैरह के अंदर जो है जाकर के, और ये जो है न्यूट्रिशन गेन करता है यहाँ पे, ये इसका जो है बेसिक क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके सिलेबस के अंदर पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे, लैम्प्रे वर्ड का मतलब ये है कि मैं जहाँ तक तो उसको बताऊँ, लैम्प्रे में क्या होता है कि ये जो इसकी ये देखिए नीचे स्ट्रक्चर, नीचे जो है पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर दी हुई है, जब ये किसी भी फिश से अटैच होता है, जब ये किसी फिश से अटैच होगा तो माउथ वाला पोर्शन अटैच होता है लेकिन पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, फ्री होता है। तो वो फ्री वाला पोर्शन जो है वो इस तरह से मूव करता है जैसे लैम्प की जो लो होती है वो लो जिस तरह से मूव करती है, जिस तरह से हिलती है, वैसे ये इसकी पीछे का पोर्शन है वो जो है मूव यहाँ पे मूवमेंट करता है, इस वजह से इसको लैम्प्रे हम जो है बेसिकली बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो फाइलम कोडेटा, डिवीजन जो है इसका क्रेनिएटा, क्रेनियम प्रेजेंट होती है इसलिए क्रेनिएटा, क्रेनियम मतलब जो ब्रेन जो है उस जो जिस स्कल के जिस पोर्शन से कवर्ड रहता है वो क्रेनियम है। सब फाइलम है इसका, एग्नेथा जो एब्सेंट है इसलिए एग्नेथा में रखा है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, माउथ जो है सर्कुलर है, आप डायग्राम में देख सकते हो सर्कुलर माउथ है। ऑर्डर है पेट्रोमाइजोन्टी फॉर्म, जीनस है पेट्रोमाइजोन और स्पीसीज है मेराइनस, मेराइन वाटर के अंदर है इसलिए मेराइनस स्पीसीज इसकी है। यहाँ पेट्रोमाइजोन की मॉर्फोलॉजी हमें देखनी है सिंपली, ठीक है। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यहाँ पर ये जो है मेनली ये मिलता है मेराइन वाटर में, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में चला जाता है और वहाँ पर एग लेइंग करता है, ठीक है। उसके बाद एग में से एग की हैचिंग से एमोसिट लार्वा निकलते हैं, वो लार्वा काफ़ी लंबे टाइम तक उसी फ्रेश वाटर में रहते हैं, देन वहाँ से फिर वो जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेराइन वाटर के अंदर आ जाते हैं। शेप की बात करें तो ईल लाइक बॉडी है इसकी, बॉडी ईल लाइक होती है, ये इलोंगेटेड बॉडी है और बॉडी जो है हेड ट्रंक टेल में, हम इसको बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं हेड ट्रंक टेल में। यहाँ पर जो है बॉडी पर अगर हेड की बात करें तो हेड पर आप देख सकते हो कि हेड जो है उसमें वन पेयर आइज प्रेजेंट है, वन पेयर सर्कुलर आइज हैं और यहाँ पर आगे की तरफ, आइज के आगे की तरफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, सिंगल
पोर होता है नोस्ट्रिल में, सिंगल पोर होता है, तो मोनो राइनस कंडीशन से बोलते हैं। नीचे की तरफ हेड पर आगे की तरफ, नीचे की तरफ जो है एक बक्कल फनल कह सकते हैं हम, कि बक्कल फनल यानी कि माउथ जो है वो फनल लाइक होता है, माउथ फनल लाइक होता है जिसे बक्कल फनल हम बोलते हैं। ठीक है, जो है इसमें पीछे की तरफ 7 पेयर्स जो है सर्कुलर जो है गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। 7 पेयर उसके अंदर होते हैं जो कि एक सीरीज के अंदर लगे हुए होते हैं। यहाँ इसकी बॉडी जो है इसकी बॉडी पर छोटी छोटी जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिससे जिसकी वजह से स्लाइमी बॉडी होती है इसकी। इसमें 2 फिन होते हैं, एक तो होता है डोर्सल, फर्स्ट डोर्सल और सेकंड डोर्सल फिन, ये डोर्सल फिन है 2, और एक कोडल फिन है पीछे की तरफ जो कि टेल पर जो है टेल को कवर किए होता है। और ये टेल जो है ये बेसिकली पानी के अंदर स्विमिंग में हेल्प करती है। और अगर हम इसके माउथ यानी बक्कल फनल की बात करें, जो कि मैंने अभी इस बात बताई थी आपको बक्कल फनल की बात करें, आप देख सकते हैं कि बक्कल फनल की जो स्ट्रक्चर है इसमें बक्कल फनल जो है चारों तरफ से मार्जिनल मेम्ब्रेन से, ये मार्जिनल मेम्ब्रेन है, इस मार्जिनल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है मार्जिनल मेम्ब्रेन है चारों तरफ उससे कवर्ड है। और इस पर छोटे छोटे जो है सीरस या फिमरी जो है लगे हुए होते हैं जो कि सेंसरी होते हैं, सेंसरी है, टच से रिलेटेड है, टच जो है रिसेप्टर यहाँ पे मिलता है इन पर। अंदर की तरफ बीच में एक पोर है जिसे माउथ हम बोलते हैं, जैसे ये रहा आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये माउथ है। माउथ जो है ये कवर्ड रहता है 2 प्लेट्स से, 2 टूथ प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं माउथ के ऊपर और नीचे की तरफ। ऊपर वाली होती है सुप्रा ओरल, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में दी हुई है, देखिए सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, और नीचे की तरफ होती है इन्फ्रा ओरल टूथ प्लेट। ठीक है, इस पर छोटे छोटे जो है टीथ लगे हुए होते हैं। और ये दोनों प्लेट जो हैं ये चारों तरफ से कॉन्सेंट्रिक सिक्वेंस में ओनली टीथ जो हैं उनसे कवर्ड रहती है, चारों तरफ ओनली टीथ लगे होते हैं। आप ये देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है सकेंद्री क्रम, ठीक है, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, ये कॉन्सेंट्रिक सिक्वेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक सिक्वेंस में लगे हुए ये टीथ है, ये बेसिकली हॉर्नी टीथ, हॉर्नी का मतलब मजबूत टीथ है, जो कि जब ये किसी होस्ट से जुड़ता है तो होस्ट से जुड़ने के लिए ये टीथ जो है हेल्प करते हैं, और होस्ट की स्किन को कट करने के लिए ये सुप्रा ओरल टूथ प्लेट और इन्फ्रा ओरल टूथ प्लेट जो है वो वर्क करते हैं, और होस्ट की बॉडी में एक पोर क्रिएट कर देते हैं और उससे ये माउथ जो है वो न्यूट्रिशन सक करता रहता है। ठीक है, तो इसका जो लार्वा होता है बेसिकली एमोसिट लार्वा है, और ये एमोसिट लार्वा जो है आपने सेकंड ईयर के अंदर एम्फियोक्सिस पढ़ा है, उस एम्फियोक्सिस की स्ट्रक्चर से रिसेम्बलेंस शो करता है, उसकी स्ट्रक्चर से क्या करेगा ये रिसेम्बलेंस शो करेगा, मतलब सिमिलरिटी शो करेगा। जिस तरह से प्रोटोकोडेट्स के अंदर सबसे एडवांस प्रोटोकोडेट एम्फियोक्सिस यानी सिफेलोकोडेट है, उन सिफेलोकोडेट के बाद ही इन साइक्लोस्टोमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो साइक्लोस्टोमेट का जो लार्वा है ये लार्वा एम्फियोक्सिस से जो है समानता सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, इस लार्वा के अंदर अगर आप देखोगे तो केवल एक ही डोर्सल फिन यहाँ पर प्रेजेंट है, केवल सिंगल डोर्सल फिन है यहाँ पे, लेकिन एडल्ट के अंदर 2 डोर्सल फिन थे, फर्स्ट और सेकंड डोर्सल फिन। यहाँ पर हार्ट अब देखोगे, हार्ट नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में हार्ट है, और इसके पास में यहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट के अंदर गॉल ब्लैडर एब्सेंट हो जाता है। इसी तरह से एंडोस्टाइल है, ये एंडोस्टाइल जो है हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये थायरॉइड ग्लैंड के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ ये प्रेजेंट, लेकिन एडल्ट के अंदर ये चीज एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरी ये जो लार्वा है ये प्रेजेंट होता है, ये लार्वा मिलेगा फ्रेश वाटर में, लेकिन जो एडल्ट है वो एडल्ट मेराइन के अंदर मिलता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट एमोसिट लार्वा की स्ट्रक्चर है। तो आप लोग जो है ये लिख लें करेक्टर, जनरल करेक्टर्स लिख लेंगे।